दोस्तों रामायण की एक महत्वपूर्ण पात्र मंदोदरी रावण की पत्नी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को अनैतिक कार्यों से रोकने की हर संभव कोशिश की थी। मंदोदरी न केवल एक अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी महिला थी बल्कि वह भविष्य में होने वाले विनाश को भी भली बाति समझती थी। यही कारण था कि वह शुरू से युद्ध के खिलाफ थी। जब मंदोदरी को यह ज्ञात हुआ कि रावण ने माता सीता का हरण किया है तो उन्होंने तत्काल रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटाने की सलाह दी। वह जानती थी कि इस पाप का परिणाम लंका के विनाश के रूप में सामने आएगा, परंतु रावण ने मंदोदरी की इस महत्वपूर्ण सलाह को नजरअंदाज किया और अंततः वही हुआ जिसका मंदोदरी को भय था। लंका का विनाश हो गया। राम और रावण के बीच हुए युद्ध में रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी अपने पति को इस विनाश से बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी के जीवन में और उनके विचारों में कई और गहरे पहलू छुपे हुए हैं जो हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? कौन थी मंदोदरी? ये महिला जिसने लंका के सबसे शक्तिशाली शासक की पत्नी होने के बावजूद भी हमेशा सच्चाई और नैतिकता का साथ दिया। और क्या ये सच है कि रावण के अंत के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था? ये सवाल आज भी रामायण के संदर्भ में उठते हैं और इतिहास के पन्नों में मंदोदरी का किरदार एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मंदोदरी का जन्म एक अप्सरा मदुरा के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि मदुरा भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और उनसे अत्यधिक प्रभावित थीं। एक बार वे भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गईं। उस समय भगवान शिव वहां अकेले थे क्योंकि माता पार्वती कहीं और गई हुई थीं। कथा के अनुसार भगवान शिव को अकेला पाकर मदुरा उन्हें लुभाने की कोशिश की, लेकिन तभी देवी पार्वती वहां लौट आईं और उन्होंने मदुरा के शरीर पर भगवान शिव के स्पर्श का चिन्ह देखा। यह चिन्ह देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। अपने क्रोध में देवी पार्वती ने मदुरा को श्राप दे दिया जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। इस श्राप की परिणति के रूप में मदुरा ने धरती पर जन्म लिया और आगे चलकर रावण की पत्नी मंदोदरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। माता पार्वती के श्राप से व्याकुल अप्सरा मदुरा, जिसने भगवान शिव को प्रभावित करने की कोशिश की थी, अब भयभीत होकर उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। लेकिन पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने मदुरा से कहा, तुम अगले 12 वर्षों तक एक मेढ़की के रूप में जीवन व्यतीत करोगी, लेकिन सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। माता पार्वती के श्राप के प्रभाव से मदुरा तुरंत एक मेढ़की के रूप में बदल गईं और धरती लोक पर विचरण करने लगीं। एक अप्सरा होने के बावजूद अब वह मेढ़की रूपी शरीर में पृथ्वी पर संघर्षपूर्ण जीवन जीने को विवश थीं। एक दिन जब वह धरती पर अपनी जान बचाने के लिए भटक रही थीं, अचानक एक भयंकर सर्प उसके पीछे लग गया। मेढक बनी मदुरा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगी। भागते भागते वह सप्त ऋषियों के आश्रम में जा पहुंची। आश्रम में उस समय रसोई का काम चल रहा था और लकड़ी के चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन खीर पकाने के लिए रखा हुआ था। जब भयंकर सर्प ने मेढकी बनी मदुरा का पीछा किया तो वह उछलकर आश्रम में पक रही खीर के बर्तन के ऊपर बैठ गई। सांप भी उसे पकड़ने के लिए बर्तन पर चढ़ गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसल कर खीर के बर्तन में गिर पड़ा। खीर गर्म थी और सर्प उसी गर्मी से तुरंत मर गया। अब मदुरा के सामने एक नई चिंता खड़ी हो गई थी। वह जानती थी कि अगर सप्त ऋषि ये खीर खाएंगे तो सर्प के विष के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। मदुरा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ऋषियों की जान जाए, इसलिए उसने वहाँ बैठकर इंतजार किया ताकि वह कुछ कर सके। जैसे ही ऋषि आश्रम लौटे और खीर का बर्तन देखा, मदुरा ने तुरंत उनके सामने बर्तन में छलांग लगा दी। ऋषियों ने ये दृश्य देख लिया और सोचा कि अब खीर खाने की योग नहीं रही क्योंकि बर्तन में एक मेढकी कूद चुकी थी। सप्त ऋषियों ने जब खीर को बर्तन से बाहर फेंका तो उन्होंने देखा कि उसमें एक
मरा हुआ सर्प भी पड़ा है। ये दृश्य देखकर ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने उन्हें बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऋषियों ने मेढकी के इस अद्वितीय बलिदान को सहा और अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर उसे पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन अब वह मेढकी नहीं बल्कि एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हो चुकी थी। हालांकि समाज के नियमों और परंपराओं के डर से सप्त ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया और उसे ये कन्या सौंप दी। मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया और उसका नाम बदल कर मंदोदरी रख दिया। अगर हम मंदोदरी के पिता मायासुर की बात करें तो उन्हें राक्षसों के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता था। उन्हें ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था जिसके तहत वह कहीं भी सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकते थे। मायासुर की इसी अद्वितीय वास्तुकला की कला ने मंदोदरी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मायासुर ने ब्रह्मा से मिले अपने वरदान का उपयोग कर अपने पत्नी हेमा के लिए एक भव्य और सुंदर नगर मंडोर का निर्माण किया था, जो आज के समय में राजस्थान के जोधपुर का मंडोर क्षेत्र है। इसी नगर में रावण और मंदोदरी की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने मंडोर जा पहुंचा था। वहीं उसकी नजर पहली बार मंदोदरी पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया। रावण ने तुरंत ही मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब दोनों की कुंडली का मिलान हुआ तो ज्योतिषीय स्थितियां अनुकूल थीं। लेकिन रावण के प्रताप और शक्ति को देखकर मायासुर ने किसी भी प्रकार का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर मंदोदरी भी इस विवाह से खुश नहीं थी। वह रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की इस इच्छा का विरोध भी नहीं कर पाई। अंततः उन्होंने अपने पिता के मान सम्मान के लिए इस विवाह के लिए हामी भर दी। ऐसा माना जाता है कि रावण और मंदोदरी का विवाह राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में हुआ था। मंडोर रेलवे मंदोदरी और रावण के विवाह के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार राजस्थान के मंडोर में ही रावण ने मंदोदरी के साथ सात फेरे लिए थे। इसके अलावा कुछ अन्य कथाओं के मुताबिक मंदोदरी का विवाह भगवान शिव के वरदान के कारण रावण के साथ हुआ था। कहा जाता है कि मेरठ के सदर इलाके में स्थित ईश्वरनाथ मंदिर में मंदोदरी ने भगवान शिव की तपस्या की थी कि उसका पति धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष हो। उस समय रावण ही ऐसा व्यक्ति था जो इन गुणों को संपूर्ण रूप से धारण करता था। कथाओं में ये भी बताया गया है कि रावण मंदोदरी की सुंदरता से अत्यधिक मोहित हो गया था। उसकी कई रानियां होने के बावजूद रावण ने मंदोदरी से ये वचन दिया था कि वह उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी बनेगी। मंदोदरी को प्राचीन कथाओं में एक आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। माना जाता है कि उसने रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का आविष्कार किया था, जो उनके बीच एक प्रमुख गतिविधि थी। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी ने दो पुत्रों मेघनाथ और अक्षय को जन्म दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी एक गहरा प्रभाव था। कहा जाता है कि मंदोदरी हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलने और भगवान श्री राम से युद्ध न करने की सलाह देती थी, लेकिन रावण ने कभी उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और इस दिव्य बाण के रहस्य को रावण ने केवल अपनी पत्नी मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई से मंदोदरी को अपनी बातों में फंसाकर इस दिव्य बाण के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी और इसे चुरा लिया था। इसी बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। मंदोदरी ने अपने पति रावण के समस्त कार्यों से भली भांति परिचित थी। वह हमेशा रावण को समझाने की कोशिश करती थी कि वह बुराई का मार्ग छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग की राह पर चलें। लेकिन रावण जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर अत्यधिक घमंड करता था, ना कभी मंदोदरी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मंदोदरी की बार बार दी गई सलाह को अनदेखा करने का परिणाम अंततः रावण और उसकी लंका के विनाश के रूप में सामने आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण का घमंड और अधर्म उसकी हार का कारण बना। जब रावण ने सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक
भगवान श्री राम को लौटा दें, लेकिन रावण ने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कथाओं के अनुसार राम और रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। जब रावण की मृत्यु की खबर मंदोदरी को मिली तो वह दुखी होकर युद्ध भूमि की ओर दौड़ी। वहाँ उन्होंने अपने पति के मरे शरीर को देख कर हृदय विदारक विलाप किया। उनकी पीड़ा से निकली दर्दनाक चीखों ने सभी को झकझोर दिया। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम पर पड़ी और उन्हें मंदोदरी की ये दुर्दशा देखकर गहरा दुख हुआ। लंका के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्यपाट सौंप दिया और मंदोदरी के सामने विभीषण के साथ विवाह का प्रस्ताव भी रखा ताकि लंका की सत्ता स्थिर रह सके। हालांकि उस समय मंदोदरी ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने पति की मृत्यु के शोक में डूबी हुई थी। इसके बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट गए और लंका का शासन विभीषण के हाथ में सौंप दिया गया। ये विवाह प्रस्ताव राजनीतिक स्थिरता और लंका के भविष्य के लिए था, लेकिन मंदोदरी की मौन स्वीकृति या अस्वीकृति उस समय स्पष्ट नहीं थी। वह दूसरी ओर मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के एक कमरे में बंद कर लिया। लंबे समय तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वह अंततः बाहर निकली और विभीषण से विवाह करने का निर्णय कर लिया। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस तथ्य को सीधे तौर पर नकारते हुए कहा कि ये केवल एक किंवदंती है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इन विद्वानों का मानना है कि मंदोदरी एक आदर्श पतिव्रता नारी थी जो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। उनका ये भी कहना है कि इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह करने का निर्णय नहीं ले सकती हैं। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना केवल एक किंवदंती के अलावा कुछ और नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने वास्तव में विभीषण से दूसरा विवाह किया था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूरी साझा करें। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हनुमान, जय श्री राम।